हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपनी चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी फ्री वाला एमपेक 4 एचडी सेटअप बॉक्स है जिस पर कि यूएसबी रहता है, अगर दोस्तों आप उस सेटअप बॉक्स को बिना ओपन किए 5 वोल्ट सप्लाई देकर चलाना चाहते हैं, तो आज दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा कि आप किस प्रकार से किसी भी एचडी सेटअप बॉक्स को बिना ओपन किए हुए आप किस प्रकार से 5 वोल्ट सप्लाई देकर चला सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक 5 वोल्ट का डीसी अडाप्टर है। तो आज दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस अडाप्टर से इस सेटअप बॉक्स को चालू करके दिखाऊंगा और आपको दोस्तों इस टीवी से भी इस सेटअप बॉक्स को चालू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस 5 वोल्ट के अडाप्टर से पावर देकर आपको इस सेटअप बॉक्स को चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इस अडाप्टर का कनेक्शन इस सेटअप बॉक्स पर कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं यह ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स भी हमारा चालू हो चुका है। दोस्तों, आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में किसी भी एचडी सेटअप बॉक्स को आप दोस्तों इस प्रकार से चला सकते हैं। आपको बॉक्स ओपन नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 5 वोल्ट बैटरी से या फिर इस प्रकार से अडाप्टर से आप चलाते हैं, या फिर दोस्तों आप टीवी से 5 वोल्ट सप्लाई यूएसबी के माध्यम से इसे देते हैं, तो बॉक्स आपका चालू हो जाता है और इसके अंदर जो भी फीचर है आप दोस्तों उसे यूज कर सकते हैं। आपका दोस्तों इस पर यह जो LNB इनका आपका सॉकेट है, आपका यह जो LNB इनका सॉकेट है, आपको दोस्तों यह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको इस सेटअप बॉक्स को यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई देना होता है। लेकिन दोस्तों, आप 5 वोल्ट सप्लाई देकर इसे चालू कर सकते हैं और इस पर से यह जो USB है इसके माध्यम से इसका जो भी फीचर है मल्टीमीडिया का आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। यूट्यूब है तो आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। अब मैं आपको इस टीवी से भी इस सेटअप बॉक्स को चालू करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने अडाप्टर का ये जो वायर है कट कर दिया है और इस पर दोस्तों मैंने ये जो सॉकेट है मैंने इस पर लगा दिया है। और अब दोस्तों मैं इसे इस टीवी पर यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं दोस्तों टीवी को ऑन करता हूँ। टीवी हमारा चालू हो चुका है और अब दोस्तों मैं इस सॉकेट को यहाँ इस सेटअप बॉक्स पर लगाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारा सेटअप बॉक्स चालू हो चुका है और दोस्तों हमारा टीवी भी चालू हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी एचडी सेटअप बॉक्स को आप 5 वोल्ट की बैटरी चलाना चाहें या फिर दोस्तों आप 5 वोल्ट अडाप्टर से चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है एक जानकारी के लिए है कि ये जो सेटअप बॉक्स है आप दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को 5 वोल्ट से 12 वोल्ट सप्लाई देकर चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो आपका सेटअप बॉक्स से जो सिग्नल है रिसीव नहीं होगा। इसके लिए आपको 12 वोल्ट का अडाप्टर ही लगाना होगा। अगर आपको इस सेटअप बॉक्स का जो फीचर है जैसे कि मल्टीमीडिया वगैरह, यूट्यूब वगैरह, आप दोस्तों 5 वोल्ट अडाप्टर से या फिर 5 वोल्ट बैटरी से सप्लाई देकर आप इसे चला सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा जानकारी था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।